पौधों और जानवरों को देखकर तो हम उनमें काफ़ी आसानी से अंतर ऑब्जर्व कर पाते हैं, पर कोई भी जीवित चीज सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं, एक्सेप्ट नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी वायरसेस वगैरह। तो जाहिर है पौधे और जानवर भी सेल के बने होंगे, और बाहर से इतनी अलग दिख रहे हैं तो जरूर इसके बेसिक यूनिट यानी कि सेल में भी काफ़ी सारे अंतर पाए जाएंगे। क्विक रिव्यू करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल और क्रस्टेड होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं जनरली ये प्लांट सेल में नहीं होते। अब बात थोड़ी विस्तार से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर तरह के सेल में पाए जाते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है, साइटोप्लाज्म को घेर कर रखती है, चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। साइटोप्लाज्म जहाँ जीवों में चलने वाले महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन यानी मेटाबॉलिज्म और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जैव प्रक्रियाएं होती हैं। जेनेटिक मटेरियल जो सेल के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोट्स हैं यानी सच्चे न्यूक्लियस वाले, तो इनमें मेम्ब्रेन से घिरे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे और इनके जेनेटिक मटेरियल भी दोहरी झिल्ली से घिरी रहेगी, उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और भी ऑर्गेनेल्स की बात करें तो दोनों में एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैकेजिंग और उसे बाहर सिक्रीट करने का काम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का है, पौधों में इसे डिक्टियोसोम बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक इंजाम रखने वाले लाइसोसोम जो सेल के मैक्रोमॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है। हालांकि प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम वैक्यूल भी कर सकता है, इसलिए प्लांट सेल में ये एब्सेंट भी होता है। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन से घिरा स्पेस है साइटोप्लाज्म में, जिसमें पानी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और सेल की बेकार की चीज़ें होती हैं। हालांकि प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी बड़े होते हैं, 90% तक स्पेस कवर कर सकते हैं, कम नंबर में होते हैं और सेंटर में पाए जाते हैं। वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होंगे, बिखरे होंगे और प्लांट सेल के मुकाबले ज़्यादा होंगे। न्यूक्लियस के करीब पाया जाने वाला सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में मदद करता है, वो जनरली एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में वही काम माइक्रोट्यूब्यूल कर देता है सेल डिवीजन के टाइम पर। दो बहुत डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं, वो है सेल वॉल और प्लास्टिड्स। सेल मेम्ब्रेन को बाहर से घेर कर रखने वाला सेल वॉल मेनली सेलुलोज का बना होता है जो रिजिडिटी और सेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी करता है मैकेनिकल चेंज और इन्फेक्शन से, सेल इंट्रैक्शन में भी ये मदद करता है। प्लास्टिड्स स्पेशल पिगमेंटेड ऑर्गेनल है जो प्लांट को स्पेसिफिक कलर देता है। पिगमेंट के आधार पर यानी कलर के आधार पर इसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में बांटा गया है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, जिस पे कि पूरा एनिमल वर्ल्ड डिपेंड करता है।